हेलो एवरीवन क्लास ट्वेल्थ की एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस की नेक्स्ट वीडियो में आज लेकर के आया हूँ लास्ट वीडियो में लास्ट दो वीडियोस में हमने थ्योरम्स पे फोकस किया था uh, उन्हीं थ्योरम्स को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इससे हम उस फॉमले का भी डेरीवेशन uh, उस फॉर्मले का भी डेरीवेशन सीख लेंगे जो इनवर्स निकालने में काम आता है इनवर्स ऑफ एनी मेट्रिक एनी स्क्वायर मेट्रिक्स इज गिवन बाय ए इक्वल टू एट जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोवाइडेड दैट द डिटमिन नॉट इक्वल टू जीरो तो ये कंडीशन भी हम इसी से निकालेंगे इसी थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज प्रूव दैट स्क्वायर मेट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इव इट इज नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल वर्ड पे आते हैं सबसे पहले इन्वर्टिबल वर्ड हमने क्योंकि मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी देखे थे एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने इन्वर्स uh, निकाले थे मैट्रिसेस के काफी तो अगर किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है देन ए सेट टू बी इन्वर्टिबल अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर हम ऐसे बोलें कि इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर दो स्क्वायर मैट्रिक को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है इट मीन्स ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए ए और बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे इन्वर्सेज हो जाएंगे और ए और बी अगर एक दूसरे के इनवर्सेज हैं तो इट मीन्स ए इन्वर्टिबल हो जाएगा और बी ये भी क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल हो जाएगा तो इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या है इसका सिंपल मीनिंग ये है कि, कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो उन दोनों को हम एक दूसरे का इन्वर्स बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस, इस थ्योरम का प्रूफ हम कर रहे हैं इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें कन्वर्स वाला पार्ट भी आएगा पहले केस में आपको एक केस ये लेना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है इन्वर्टेबल है मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि वो मैट्रिक्स क्या है नॉन सिंगुलर है ये फर्स्ट पार्ट है एंड इन द सेकेंड पार्ट यू हैव टू प्रूव दैट इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन ए इज इन्वर्टेबल दोनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे यहां पे तो पहला केस हम लेकर के चलते हैं कि लेट एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए क्या है इन्वर्टिबल है और इन्वर्टिबल का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब एक मैट्रिक्स आपको और ऐसी मिलेगी जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा होगा आइडेंटिटी आ रहा होगा दट इज इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट तो क्योंकि ए इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हम ये मान लेते हैं कि लेट वो जो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है बी है लेट बी इज द इनवर्स ऑफ ए वी हैव टू शो दैट क्या प्रूव करना है आपको कि ए क्या है नॉन सिंगुलर है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉन सिंगुलर का मीनिंग बताया था कि नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो का एक नहीं होगा ये प्रूफ करना है आपको नाउ सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा होगा आई आ रहा होगा डेफिनेशन ऑफ इनवर्स अब दोनों साइड अगर हम determinant लें, बी लेटर्मिनेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा determinant और डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट नंबर तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रहा है वन के इक्वल और दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वन के इक्वल अगर आ रहा है तो क्या इन दोनों में से कोई भी एक जीरो हो सकता है अगर कोई भी एक जीरो हो जाए तो उसको दूसरी मैट्रिक्स उसको दूसरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन कभी भी नहीं आएगा तो इसका क्या मतलब है कि अगर दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन या दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर वन आ रहा है तो उसमें कोई भी दोनों में से कोई भी एक जीरो नहीं होगा मीन्स ना तो ये जीरो होगा ना तो ये जीरो होगा दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये जीरो नहीं होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब ए क्या हो गया ए इज नॉन सिंगुलर ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका हमने ए को इन्वर्टिबल लिया और इन्वर्टिबल लेके प्रूव कर दिया कि ए क्या है नॉन सिंगुलर है तो ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट में वी हैव टू कंसिडर दैट ए इज नॉन सिंगुलर एंड टू प्रूव दैट ए इज इन्वर्टिबल इसका कन्वर्स पार्ट हम करेंगे कि ए नॉन सिंगुलर है ए नॉन सिंगुलर है मींस डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो है इसके हेल्प से हम प्रूफ करेंगे कि ए क्या है इन्वर्टेबल है यानी कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो आते हैं सेकेंड पार्ट में सेकेंड पार्ट को बोलते हैं लेट ए इज नॉन सिंगुलर That is determinant of a is not equal to टू to prove kya क्या karna करना है a is invertible a invertible ka का मतलब ka का inverse exist kar कर रहा है और ka inverse कब exist करेगा जब एक मैट्रिक्स आपको और मिलेगी जिसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा नाउ फिर से हम उसी थ्योरम में आते हैं जिस थ्योरम को पूरा प्रूफ मैंने आपको पहले बता दिया है उस थ्योरम का मैंने आपसे बोला भी था कि आगे की वीडियोस में काफी यूज होने जा रहा है उसका तो वो थ्योरम क्या थी ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए या एट जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इसका पूरा प्रूफ मैंने कराया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं इस वीडियो को तो इसको और इसको लेकर के मैं चल रहा हूं ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए क्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए यहां भी डिटर्मिनट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं और यहां भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से ही करते हैं तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है यह हम पहले से कंसिडर करके चल रहे हैं तो इसका मतलब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से यहां पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो ऑपरेशन है ये वैलिड है आप नहीं कर पाओगे तो ए इन टू एट ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये कैंसिल हो गया इक्वल टू क्या आ रहा है आई आ रहा है अब आप इसको ध्यान से देखिए अगर इस पूरे ये जो टर्म आ रहा है एट ऑफ ए रिप्रेजेंट्स अ मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स है इसको आप किसी नंबर से डिवाइड करो तो ये अभी भी मैट्रिक्स ही है तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है आइडेंटिटी आ रहा है अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स होते हैं तो यहां से आपको क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ए का इनवर्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्योंकि तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है आइडेंटिटी आ रहा है इसका मतलब अगर मैं ए का इन्वर्स निकालू तो वो ए का इनवर्स क्या होगा ये होगा और ये है क्या ये है एट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोवाइडेड दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो इसको इनवर्स निकालने के लिए एज अ फॉर्मूला हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में दो मेथड्स आपके पास इनवर्स की हो गई अब एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड द सेकेंड वन इज एट जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एड ज्वाइंट ऑफ ए क्या था एट जॉइंट ऑफ ए था जो को फैक्टर से मैट्रिक्स बनती थी उसका ट्रांसपोज लेते थे उसको आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाएगा तो जो एक पॉइंट वहां में छोड़ दिया था मैंने उस इन्वर्स uh, वाले वीडियो में वो यहां पे यूज़ होगा कि आप कैसे पता लगाएं कि, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है क्योंकि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है तो कैसे हम पता लगाएं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके लिए आपको क्या करना है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना ही करना है अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक तो ये रिजल्ट आपको यहां से मिल रहा है और दूसरा ये फॉर्मूला आपका आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि द इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन बाय ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स तो ये इसका कन्वर्स पार्ट हमने किया थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको आप प्रिपेयर करें